जब हम दिल्ली आए थे तो सिर्फ हमारे पास कपड़े थे हमारे पास पैसा नहीं था एक भी लड़कियाँ जो कभी मतलब ज़मीन पे पाँव भी बहुत ही कम रखती थी आज वो दूसरों के बर्तन मांज रही है जब वो एक छोटा सा बेड था तो उस छोटे से बेड पे हम पांच लोग सोते थे मैंने बोला अंकल इस ये काम का जरिया निकालने के लिए पैसा कमाने के लिए ही मैंने ये बोर्ड बना के टांगा मेरे पापा बोलते थे अगर बोलते थे मैं तो मर जाऊंगा और आज वो बोलते हैं अगर मेरी बेटी नहीं होती तो सीखिए स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मन पसंद कोर्स को शुरू करिए डाउनलोड दी ऐप टुडे हेलो एवरीवन मेरा नाम खुशी प्रजापति है और मैं झांसी की रहने वाली हूँ बहुत अच्छा टाइम चल रहा था बहुत अच्छी आ, लाइफ चल रही थी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो इसी चीज़ से रिलेटेड होते होते आ, मुझे बीच में पता चला शायद मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी तो चीज़ें मुझे पता चलती चलने लग गई थी कि आ, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारी लाइफ में तो वो मैं जानने लग गई थी मेरा मतलब मेरे फादर को इसी बीच कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो वो एकदम से मुझे पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है लेकिन धीरे धीरे मदर फ़ादर के बीच बातें होती थी तो मुझे लगता था कि आ, कुछ चल रहा है तो मेरी फादर की परचून की शॉप थी तो वो शॉप अच्छी खासी चल रही थी लेकिन उसी बीच उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ एक और बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे मेरे बच्चों का आगे लाइफ अच्छा हो और भी ज़्यादा तो उन्होंने इसी बीच एक आ, मतलब जैसे गांव कस्बे होते हैं उनमें बिजनेस शुरू करते हैं तो उनमें लोकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जैसे घड़ी साबुन का डुप्लीकेट हो गया है कुछ ऐसा सो so, जिस पर्सन के साथ उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया तो उस बंदे ने पैसे तो मेरे पापा से सारे ले लिए और मेरे फादर ने दे भी दिए तो फिर उसी बीच पता चलता है कि वो धीरे धीरे मतलब उसने थोड़ा सा प्रोडक्ट पापा को दिया उसके बाद वो धीरे धीरे पापा से कटने लगा और पापा के नज़रों से वो थोड़ी दिनों के लिए दूर हो गया तो जिस पर्सन ने पापा को उनसे मिलाया था उन्होंने उनके साथ बात करी तो बात करने के बाद पता चलता है कि वो कहीं चले गए हैं फिर उन्होंने ऐसे करने के बाद जब वो वापस आए काफ़ी टाइम के बाद मेरे पापा ने उन्होंने बात की तो वो बोले कि आ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो सब पैसे तो मेरे से मेरे पास नहीं रहे अब तो उनके उसके थोड़े दिनों के बाद ही पता चला कि उन पैसों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी तो उससे अब मेरे फादर एकदम हेल्पलेस फील करने लग गए तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद से सबको दे सकते थे वो पैसा तो धीरे धीरे पापा दुकान से भी कटने लगे क्योंकि इतनी बड़ी दुकान एकदम से बंद होने के कगार पे आ चुकी थी तो फिर मम्मी ने बोला कि क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों हों तो बोले कि कुछ नहीं बस ऐसे ही उस, उस दिन उस दिन उन्होंने इस बात को टाल दिया उस दिन टालने के बाद जब आगे एक दिन पापा मेरे आ रहे थे तो आने के बाद उनको रास्ते से ही उनको पापा का रूट सबको पता था तो वो जिनसे पैसे लिए थे वो काफ़ी अच्छे रिच थे तो उन्होंने बोला वो उन पापा को लेके ऑटो से चले गए क्योंकि पापा का एक पर्सनल ऑटो था वो हमेशा उसमें ही ट्रैवल करते थे तो वो उनको लेके चले गए वहाँ से और उनको काफ़ी मारा होगा उन्होंने इतना मतलब मारा होगा तो आई कांट इमेजिन कि उस समय मतलब मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रही थी जैसे ही वो घर आए तो ये सारी चीजें मेरी मदर के साथ मतलब उन्होंने शेयर भी नहीं करी एक्चुअली वो जस्ट ऐसे ही आके जब बंदा एकदम टूट जाता है तो वो आके एकदम से बैठ गए और मेरी मम्मी ने बोला कि आपको क्या हुआ तो उन उन्होंने बताया कि आ, कुछ नहीं हुआ मुझे मैं ठीक हूँ बस तो पापा जस्ट कपड़े निकाल रहे तो पापा मम्मी मम्मी ने उनकी पीठ पे पैर पे थोड़े निशान देखे तो मम्मी बोल रही कि आपको क्या हुआ तब उस दौरान मतलब मुझे भी ये चीज़ पता चली और मेरी मम्मी को भी कि जिससे उन्होंने पैसे लिए थे तो वो पर्सन ने पापा को पकड़ा और वो लेके गया उन्होंने उन्होंने उसको उनको बहुत मारा तो मतलब हम लोगों को बहुत मतलब बहुत रोना भी आया बहुत अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते तो ये सब चीज़ें हुई तो मम्मी ने बोला कि देखते हैं अभी कुछ करते हैं तो जैसे ही मम्मी के पास बहुत अपनी ज्वेलरी थी पर्सनल हमारी भी ज्वेलरी थी काफ़ी सारी तो वो जिसका देना था तो पापा ने मम्मी ने बोला धीरे धीरे करके जिस जिसका देना है तो आप दो तो किसी किसी का तो दे रहे थे लेकिन उतने से वो पूरा नहीं होना था पंद्रह बीस लाख बहुत होते हैं तो वो सब होने के बाद होते होते धीरे धीरे सब घर में भी आने लग गए लोग और मैंने मैंने उसी बीच जब ये सब प्रॉब्लम्स पता नहीं थी उसी बीच मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रही थी ब्यूटिशियन डिप्लोमा और स्टिचिंग ये सब मैं कर रही थी तो आ, मैंने एक बोर्ड लगा दिया छोटा सा स्टिचिंग करने के लिए कि किसी को भी नीड हो तो वो मुझे कपड़े सिलने के लिए दे सकता है तो वो आ, बोर्ड लगा देखा एक बंदा आया घर पे उन्होंने बोला कि आ, देखो इनकी लड़की तो इतना काम कर रही है हर चीज़ कर रही है और ये पैसे नहीं दे रहे हैं मैंने बोला अंकल इस ये काम का ज़रिया निकालने के लिए पैसा कमाने के लिए ही मैंने ये बोर्ड बना के टांगा है ताकि लोग मेरे पास आएँ और मैं काम कर सकूं और मेरे पापा की हेल्प कर सकूं लेकिन उससे भी क्या हो सकता था और वो इतने साल दस ग्यारह साल पुरानी बात है तो उसमें हो ही नहीं सकता था कुछ भी तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक मेरे पापा के धीरे धीरे हम ज्वेलरीयां देते जा रहे थे जितनी ज्वेलरी हमारे पास थी फिर एक समय ऐसा आया पापा साइकिल लेके उन पापा ने मेरे कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी नहीं तो वो एकदम साइकिल लेके चाहते थे तो मुझे वो भी बहुत अच्छा फील नहीं होता था मुझे बहुत रोना आता था कि जो जो पर्सन हमेशा गाड़ी में ट्रेवल करता था वो खुद साइकिल चला के जा रहा है तो मैं बहुत रोती थी अंदर से पर मैं उस समय आई थिंक मैं भी हेल्पलेस थी मैं भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी एक बार वो ऐसे आए तो वो बोले मैं मर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता तो उसी बीच मेरी मामी का कॉल आया जो कि दिल्ली में रहती हैं काफ़ी टाइम से और मेरे मामा लोग तो उन्होंने बोला कि आप लोग दिल्ली आ जाइए दिल्ली में काफ़ी काम है तो आप, आप लोग नहीं मतलब मेरे पापा को अकेले उन्होंने बोलने आने को बोला तो पापा गए वहाँ पे जाने के बाद पापा ने बोला कि मैं चला तो जाऊँगा लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा आप सबको लेके जाऊँगा तो धीरे धीरे मैंने आ, हम लोग नानी के यहाँ शिफ्ट हुए वहाँ पे मेरे मामा थे जो अब इस दुनिया में नहीं है तो वो हमें लेके गए वहाँ पे वहाँ पे पहुँचाया फिर मामी के यहाँ भी बहुत स्ट्रगल हुआ हमारे साथ वो कुछ दो तीन दिन तो हमारे साथ अच्छा बिहेव किया उन्होंने क्योंकि हम लोग रिसेंटली पहुँचे थे और मेरे पापा के पास जब पैसा था तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे सब हमें लेकिन जब उनके यहाँ पहुँचे एक छोटा सा बेड था और हम मुझे तो मतलब हमारी झांसी वाला घर था वो तो बहुत बड़ा था तो जब वो एक छोटा सा बेड था तो उस छोटे से बेड पे हम पांच लोग सोते थे फिर मेरे पापा ने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू किया जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं था वो हमेशा बैठे हुए होते थे और उनकी दुकान पे लोग काम करने के लिए लड़के लगे हुए थे लेकिन यहाँ पे मजदूरी का काम शुरू किया क्योंकि हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था जब हम दिल्ली आए थे तो सिर्फ हमारे पास कपड़े थे हमारे पास पैसा नहीं था एक भी तो फिर उन्होंने शुरू किया और मैं मैंने मेरी मदर ने और मेरी एक सिस्टर है उसने भी काम देखना शुरू किया क्योंकि एक मेरे पापा से हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते थे पैसों की तो जब वो सब हुआ तो आ, मैं भी गई मैंने भी काम देखा क्योंकि एक पड़ोसन ने बताया आप कुछ दिन के लिए मेरा काम संभाल लेंगे क्या तो मैंने मैंने फटाफट से हाँ कर दी हाँ संभाल सकती हूँ क्योंकि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है तो कुछ टाइम के लिए मैंने उनका काम संभाला फिर इतने एक महीने किया होगा फिर वो वापस अपने काम पे ज्वाइन हो गई तो कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हो गई थी जिन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे यहाँ पर काम कर लीजिए तो कुछ दिन वहाँ पर भी काम किया और उस समय भी मतलब मेरे पापा बहुत रोते थे कि मेरी लड़कियाँ जो कभी मतलब जमीन पे पाँव भी बहुत ही कम रखती थी आज वो दूसरों के बर्तन मांझ रही हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी जैसे मुझे तकलीफ होती थी उनको दुख में देख के वैसे ही उनको भी होती थी तो ये सब चलते, चलते चलते चलता रहा प्रोसेस उसी के दौरान मैं एक पार्लर में भी गई वहाँ पे भी मुझे एक्चुअली दिल्ली शहर नया था मैं वहाँ कुछ रिकवर नहीं कर पाई मैं रास्ता ही भूल गई मैं वापस घर आ गई फिर उसके बाद मुझे किसी की किसी से आज़ाद के बारे में पता चला जो मेरी मामी मामी की नेबर थी उनसे पता चला कि एक आज़ाद फाउंडेशन नाम की जगह है जहाँ पे महिलाओं को ड्राइविंग सिखाई जाती है तो मैं वहाँ पहुँची फिर उसके बाद ड्राइविंग के बारे में पता चला मैं उनके ही साथ गई मेरे लिए रास्ते नए थे तो मैं गई और जाके मैंने एडमिशन किया उस समय मेरे पास एडमिशन के लिए भी पैसे देने के लिए नहीं थे मैंने सिर्फ पाँच सौ रुपये दे के एडमिशन लिया अपना तो जैसे ही मैं घर आई तो मेरे पापा को पता चला कि मैं आ, कुछ ड्राइविंग का कुछ करना चाहती हूँ तो मेरे पापा ने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है हम लोगों को ले कर तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तू ड्राइविंग नहीं करेगी दिल्ली नया शहर है और गाड़ी चलाना इतनी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर इतना रश है तू नहीं कर पाएगी तो मम्मी ने बोला वो सब कर पाएगी आप उस पर भरोसा रखिए तो जैसे ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो एक नया जज्बा आता गया दिमाग बहुत काम करता है मैं ये सब चीजें बड़ी जल्दी से कैच करती हूँ सिक्स मंथ में ही मेरी जॉब लग गई और मैंने फर्स्ट जॉब ली थी साढ़े तीन हजार रुपये की तो साढ़े तीन हजार की जो जॉब मैंने जैसे ही ली तो मुझे एक अलग सी खुशी मिली कि अब मेरी जॉब लगी मैं फ़र्स्ट डे गई फर्स्ट टेस्ट पे मैं वहीं उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और मैं बहुत खुश हो के घर आई और मैंने आ, पूरा दिन मतलब उनके साथ मैंने आ, उनके साथ ड्यूटी की फिर मैं शाम को घर पहुंची मैंने अपनी माँ को सुनाई ये खबर अपने पिताजी को वो बहुत खुश हुए और रोकर मुझे गले से लगा लिया मतलब ऐसे बताने में बहुत ही ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन मैंने ये फील किया है तो मैं समझ सकती हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ और खुशी दोनों ही हुई है तो इसके बाद ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा इसके बाद मैं कमर्शियल ड्राइवर बनी मैंने अपना कमर्शियल लाइसेंस बनाया आज़ाद के साथ ही जुड़ी रही मैं 2009 से आज़ाद से जुड़ी थी तो धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाए दो साल के बाद मैं कमर्शियल ड्राइवर बनी फिर मैंने सखा कैब्स चलाई वो भी मैंने पाँच छः साल चलाई और वहाँ मेरी सैलरी थी साढ़े तो मैं और ज़्यादा खुशी हुई मुझे क्योंकि मैं सेविंग सबसे पहले जैसे ही मैंने जब वो पहली जॉब ली थी तो मुझे वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी एल शुरू की थी जो कि मुझे लगा था एक इन्वेस्टमेंट है उसमें तो वो की थी उसके बाद जब कमर्शल में ज्वाइन कर लिया उसके बाद मेरी सैलरी होने लग गई आगे बढ़िया चलने लग गया सब कुछ अच्छा होने लग गया धीरे धीरे में मैं अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को देती थी और अपने पास मैं एक भी रुपये नहीं रखती थी जो मुझे किराए के पैसे मांगने होते थे वो मैं अपनी माँ से ही मांगती थी और सब बढ़िया चलने लग गया धीरे धीरे मेरी माँ इन्वेस्ट कर रही थी मेरे पैसों को क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लेनी थी प्रॉपर्टी लेने के लिए तो लंबा समय चाहिए हाँ लेकिन मैं मेरी माँ ने सेविंग्स की और हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली कुछ टाइम पहले प्रॉपर्टी ली और आज मैंने प्रॉपर्टी वो एक बिल्डिंग के रूप में एक घर बना दिया है मेरे माता पिता मेरे ऊपर बहुत गर्व करते हैं क्योंकि मेरे पापा बोलते थे अगर बोलते थे मैं तो मर जाऊंगा और आज वो बोलते हैं अगर मेरी बेटी नहीं होती तो आज मैं फिर से मेरी खुद की प्रॉपर्टी में नहीं बैठा होता और वो प्रॉपर्टी मैंने अपनी माँ के नाम पे ली है तो उस समय अब जब ये चीज़ हुई तो मेरे अभी सब रिलेटिव्स हमसे कनेक्टेड भी हैं और अब खुश भी हैं कि मतलब ये सब अब क्योंकि हमारे पास फिर से पैसा आ गया है एक्चुअली बात ये है तो और सखा ने आज़ाद ने मुझे इतना सपोर्ट किया इतना सपोर्ट किया कि आ, मैं उनका जितना थैंकफुल रहूं उतना कम है क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये कर नहीं पाती क्योंकि मुझे बीच में मकान बनाने के लिए लोन की भी जरूरत पड़ी थी तभी मैंने वो आज़ाद से ही लिया था और उन्होंने उस समय मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे सिस्टर एंड ब्रदर सब पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा भाई इंग्लिश टीचर है आज और मेरी सिस्टर इंग्लिश टीचर है और वो भी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं और मैं भी अपना एजुकेशन आगे कर रही हूँ ताकि मैं आगे और भी कुछ कर सकूँ क्योंकि मैंने जब ये सब शुरुआत की थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी हिम्मत वाली लड़की हूँ क्योंकि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और मेरे अंदर ये अब बोल्डनेस आती गई ताकि मैंने ये चीज़ें कर पाई और मैं मतलब मैं मेरे खुद पे भरोसा तो था ही था लेकिन मेरे अंदर से भी एक आवाज़ आती रहती थी कि हाँ तू कर सकती है और मैं अगर मैं कर सकती हूँ मेरा बैकग्राउंड बहुत बोल्ड नहीं था क्योंकि मेरे मेरे घर में कोई ऐसा ड्राइवर भी नहीं था लेकिन मैं ड्राइवर बनी और मैंने इतना कुछ किया और अपनी लाइफ में सक्सेस भी ली और ये सब करने के बाद आज मैं सबको मतलब यही सजेस्ट करूंगी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं क्योंकि अगर खुद पे भरोसा रखा जाए तो आप सब भी कर सकते हैं थैंक यू उन्होंने मेरा सी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आके जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योर तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था तो मैं चुप हो गई तो उन्होंने मेरा सी लिया और मेरे हाथ ही रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो फिर मैंने सी भी लिया और लौट के चले आई फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है कोशिश भी की सीखूंगी सीखूंगी ट्राई भी किया एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी इंस्टीट्यूट में जाना होता है फिर इतना टाइम भी होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी सब कह देते इंग्लिश सीखने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए बहुत चाहिए होता है लोगों से बात करोगे तभी आएगी अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहे मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए तो लास्ट में ही एडवर्टाइजमेंट था तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का तो आप उसे डाउनलोड करिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम आ, दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है सबसे अच्छा जो बैक पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ नाउ आई एम नॉट स्केयर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश थैंक यू जोश